लोकस नगर पहुँचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। लोकस नगर के युवाओं ने जिला की मांग को लेकर दिया ज्ञापन, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया आश्वासन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा आज लोकस नगर पहुँचे, जिनको सैकड़ों की संख्याओं में युवाओं ने लोकस नगर को जिला बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सांसद बीडी शर्मा द्वारा ज्ञापन लेते हुए लोकस नगर जिला बनाओ की मांग को लेकर युवाओं और लोकस नगर की जनता को आश्वासन दिया गया, बहुत ही जल्द इसके लिए प्रयास किया जाएगा। विगत 22 वर्षों से लोकस नगर को जिला बनाने की मांग लेकर क्षेत्र की जनता के द्वारा तरह तरह के आंदोलन और अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में युवाओं के द्वारा गांव-गांव जाकर चौपाल लगाई जा रही है। वहीं लोकस नगर और आसपास की जनता का लोकस नगर जिला बनाओ की मांग को लेकर कहना है कि अगर इस बार लोकस नगर को जिला नहीं बनाया गया तो वह सामूहिक रूप से मतदान का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि लोकस नगर से उत्तर प्रदेश महोबा, गौरहार और बांदा लगा हुआ है, जहाँ से छतरपुर मुख्यालय की दूरी लगभग 150 किलोमीटर से अधिक है, जिससे अगर किसी को जिले में कोई काम पड़ता है तो एक दिन में आवागमन भी पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाता और क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस बार जनता का कहना है कि अगर लोकस नगर को जिला नहीं बनाया जाता तो वह मतदान नहीं करेंगे। आज ज्ञापन दिया गया है, किसको दिया गया है और उन्होंने क्या कहा है आपको? आज हमारे क्षेत्र की सांसद बीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी जो पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी को हम युवा शक्ति ने यह आवेदन दिया कि लोकस नगर को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शासकीय तौर पर, आधिकारिक तौर पर लोकस नगर को जिला घोषित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र अपने मतदान का बहिष्कार करेगा और उग्र आंदोलन करेगा जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। सांसद जी ने कहा है कि हम लोगों ने महाविद्यालय और सिविल अस्पताल की सौगात दी है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये सौगात मंजूर नहीं है। हमारे 25 वर्षों से हमारे बुजुर्ग, हमारे जो सीनियर लोग थे, उन्होंने जिले की मांग की, लेकिन कभी भी सुनवाई नहीं मिली, केवल घोषणा की गई। क्या हमारे क्षेत्र की जनता केवल वोटों की प्रयोगशाला है? इनके लिए अगर लोकस नगर जिला नहीं तो उग्र आंदोलन होगा, किसी भी पार्टी को कोई भी वोट नहीं होगा। हमारे आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द मैं भी प्रयास करूंगा और लोकस नगर जिला बनाने के लिए मैं कार्यरत रहूंगा। मैं हम लोगों ने भी यह कहा कि आप अपने स्तर पर कार्यरत रहे, लेकिन हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा, वो जब तक जारी रहेगा आगे तक, जब तक लोकस नगर जिला नहीं बन जाता। जिला नहीं तो वोट नहीं, जिला नहीं तो वोट नहीं, जिला नहीं तो वोट नहीं।